वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गला। मैं आकांक्षा, आज की इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ गैबिट की 100% मिनरल सनस्क्रीन के साथ, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलती है। इसमें आपको SPF 50 प्लस एंड PA 4 प्लस की रेटिंग मिलती है। ये 100% मिनरल सनस्क्रीन है जिसमें सिर्फ एक फिल्टर यूज किया गया है जो है जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा इसमें आपको प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक मिल रहे हैं जो कि इसका की फीचर है। इसी वजह से इस सनस्क्रीन को मैंने सोचा कि ट्राई किया जाए। प्रीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये आपकी स्किन की सरफेस पे जो गुड बैक्टीरिया होता है उसे प्रमोट करते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होता है उसे उसकी ग्रोथ को ये कम करते हैं। उसी तरीके से जो आपके प्रोबायोटिक होते हैं वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो इसी वजह से इस सनस्क्रीन को मैंने ट्राई करने की सोची, क्योंकि पहली सनस्क्रीन है जिसमें आपको प्री एंड प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं। इसके अलावा भी इसकी जो कंपोजिशन है मुझे काफी डिसेंट लगी। इसमें आपको सिलिका मिल रही है जिसकी वजह से ये जो सनस्क्रीन है कंप्लीट आपको मैट इफेक्ट देती है। इसमें ग्लिसरीन है, अश्वगंधा है जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, विटामिन ई है और भी इसमें कई सारे इमोलिएंट डाले गए हैं। तो ये जो सनस्क्रीन है जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्लीट आपको मैट फिनिश में मिलती है, लेकिन इसे लगाने के बाद एक जो थिक और ड्राइनेस होती है ना स्किन के ऊपर वो आपको फील नहीं होती। ये बहुत इजीली आपकी स्किन में ग्लाइड होके एक बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट आपके चेहरे पे छोड़ जाती है, ना ही तो ये पील होती है। जैसे कि जनरली बहुत सारी जो मिनरल सनस्क्रीन होती है जब आप अपने फेस को ऐसे टच करते हैं तो आपकी फिंगर्स पे आ जाती है, ऐसी दिक्कत इसके साथ नहीं है। इसके साथ साथ ये बाकी किसी भी मिनरल सनस्क्रीन की तरह वाटर एंड स्वेट प्रूफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इस क्लिप में बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आपकी स्किन में संकिन होने के बाद ये ना ही तो किसी भी टाइप का वाइट कास्ट आपको देती है और ना ही तो कोई वाइटिश इफेक्ट आपके चेहरे पे छोड़ती है। तो ये जैसी आपकी नॉर्मल क्रीम बेस्ड जेल सनस्क्रीन होती है उसी तरीके से काम करती है, लेकिन ये है कंप्लीट मैट और मिनरल सनस्क्रीन। तो ओवरऑल जब आप इसे अपने चेहरे पे लगाते हैं तो आपको लगेगा कि ये एक बेस्ट पॉसिबल सनस्क्रीन है, क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे फीचर मिल रहे हैं। 100% मिनरल सनस्क्रीन है तो प्रेगनेंसी सेफ है, आपकी स्किन पे कोई भी इशू हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वाटर स्वेट रेजिस्टेंट है तो इसलिए गर्मी में यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपकी स्किन कितनी भी ऑयली हो, और समर में पसीना वगैरह अगर आपको आता है तो उससे भी ये वॉश ऑफ नहीं होगी। मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव है, मैंने इसे 2 बार लगाया। तो जब मैंने इसे पहले दिन लगाया तो मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए लगाया था, क्योंकि मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहती थी। रीअप्लाई मैंने इस वाली सनस्क्रीन को किया मॉर्निंग में, जबकि मैंने द डर्मा को की हिलोरॉनिक एसिड एक्वा जेल वाली सनस्क्रीन लगाई थी। जब मैंने इसे अपने चेहरे पर लगाया सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, बहुत ही अच्छा सा मुझे फील हुआ, क्योंकि एक तो बहुत प्यारा सा ग्लो आपके चेहरे पर ये दे देती है तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो नेक्स्ट डे मैंने इसे मॉर्निंग में अप्लाई किया और बहुत इजीली ये आपकी स्किन में ब्लेंड भी हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा कि जब आप इस सनस्क्रीन को काफ़ी लंबे पीरियड के लिए लगाते हैं और इसे ही रीअप्लाई करते हैं तो ये मेरी स्किन को मैंने ऑब्जर्व किया ड्राई कर रही थी, क्योंकि ये कंप्लीट मैट सनस्क्रीन है। आई डोंट नो व्हाई मैट होने की वजह से मेरी स्किन बहुत मुझे ड्राई लगी, या फिर इसका फॉर्मुलेशन ऐसी है, इसमें कुछ ऐसे इंग्रीडियंट यूज़ किए गए हैं तो मुझे रीज़न नहीं पता। लेकिन हाँ, जब मैंने देखा, जब मैंने इसे लॉन्ग टर्म में लगाया 4-5 घंटे के लिए, तो मैंने देखा कि मेरी स्किन ड्राई हो रही थी और उसके साथ साथ मैंने एक्ने का भी इशू फेस किया इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद। फॉर्मुलेशन में मुझे ऐसा कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं दिखाई दिया जिससे आपको ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो सनस्क्रीन है वो फ्री फ्रॉम किसी भी कोई भी जो हार्मफुल केमिकल होते हैं और जो एलर्जेंस होते हैं उससे है, लेकिन ये जो सनस्क्रीन है उसने मेरे लिए काम नहीं किया। इसके साथ साथ इस सनस्क्रीन में हल्की सी आपको फ्रेग्रेंस भी मिल गई है, क्योंकि आप इसकी इंग्रेडिएंट भी इसमें देख सकते हैं, सेकंड लास्ट नंबर पे डाली गई है। अगर आपने इस सनस्क्रीन को यूज़ किया हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। एक और चीज़, ये ना ही तो पील होती है और ना ही तो आपकी आंखों को वॉटरी बनाती है, मतलब आपकी आंखों में ये हर्ट नहीं करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू, बाय बाय।